आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है मनीष आजाद, रेडियो वाला। और सब लोगों से एक सवाल, सबसे पहले बात शुरू करने से पहले, कि आप सेवा किसे कहते हैं? अगर मन में आती है कि आप तो बहुत सेवा करते हैं, तो मन में से दूसरा सवाल अपने आप से पूछ के देखिएगा, आप किसकी सेवा करते हैं? अगर वो सेवा आपने अपने माता पिता की नहीं की, तो वो सेवा किस काम की? दुनिया सेवा के रूप में एक मजदूर भी सेवा करता है, हर कोई इंसान सेवा करता है। आज ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो सेवा ना करता, लेकिन क्या वो सेवा कभी आपने अपने माता पिता की की? क्या आपने वो सेवा कभी गौ माता की? अगर मन में सवाल आए और आपका पास जवाब अगर ना हो, तो समझ जाइएगा कि आपने कोई सेवा नहीं। जिस इंसान ने धरती पर आकर अगर अपने माता पिता की सेवा नहीं करी, एक निवाला उनके मुंह में नहीं डाला, उनका हालचाल नहीं पूछा, उनसे ये नहीं कहा कि आप मेरे साथ कहीं जाना चाहते हैं, मैं अच्छे कपड़े पहनना चाहता हूँ, मैं आपको पहनाना चाहता, सेवा किस काम? वो किस काम का पुत्र, वो किस काम की पुत्री? जब तक आपके मन में ऐसा भाव, विश्व का एक पहला एकमात्र ऐसा मंदिर माता पिता गौधाम, जहाँ पर एक ऐसी एक छत दी जाएगी, जहाँ पर उस छत के नीचे माता पिता की सेवा, उनका गुणगान यहाँ पर किया जाए। साथ ही साथ सोच के देखिए, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 500, 100, 2000 लोगों का एक साथ बैठकर अगर लंगर हो, तो कौन करे? इस सेवा का भाव आएगा तभी कर पाए। सभी, अगर आप लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे, उन्हीं माँ बाप ने आप पाल पोस कर पढ़ा कर आपको विदेश भेजा, लेकिन आपके पास फुर्सत नहीं है कि आप रोज एक बार उनसे फोन पर बात करके ये पूछ लिया जाए कि आप कैसे, तो किस बात की पढ़ाई है, किस बात की सेवा है, क्या आखिरी वक्त पर आप उनके साथ होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? ये सवाल पूछेगा अपने बच्चों से कि क्या वो आपके साथ भी यही रूप अपनाएं, यही व्यवहार करें, तो आपको अच्छा लगेगा। अगर मन में सवाल आ जाए नहीं, और लगे कि हटीस लगती है, तो इसलिए कहता हूँ, रोजाना अपने माँ बाप से कम एक बार तो उनसे हालचाल पूछिए, एक बार तो उनके पास बैठे, और समय मिल जाए तो जरा एक बार उनके हाथ पर बैठ के उनके बाल काटिए, उनके कपड़े संवारिए, उनको नहलाइए, उनको बहुत कुछ जो आप कर सकते हैं करिए। ये कोई वो रूप नहीं है जिसको आप जो ना कर सके, ये रोज काम आप अपने छोटे बच्चों के साथ, आज उन्हें आपकी जरूरत, आप साथ दीजिए, सब अच्छा रहेगा। इस धाम पर, इस पवित्र नगरी पर आकर मैं सच में अपने आप को बड़ा कृतार्थ महसूस कर रहा हूँ, आज बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, क्योंकि आज ये वो धरती है जहाँ पर उस काम को एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों लोग मिलकर करते, एक साथ आपका चाहिए, एक प्यार आपका चाहिए, एक व्यवहार आपका, एक सेवा आपकी। तो आज आप सभी लोग संकल्प कीजिए कि आप इस संकल्प को, इस व्यवहार को, इस सम्मान को, इस मान को अपने माँ बाप को रोज देंगे और आगे बढ़ेंगे। मेरे कुछ शब्दों के अंदर आपको अगर तीखा कुछ लगा हो, हाथ जोड़कर आप क्षमा चाहते हैं। धन्यवाद।